तो दोस्तों रिसेंटली आपको याद ही होगा यार, ब्लू स्टैक वालों ने क्लाउड गेमिंग में एंट्री कर ली जैसे ही देखा विंडोज़ वाले यार अपना एंड्रॉयड ऐप ले आए, और उसके बाद काफ़ी कुछ बात चली, इवन गेम्स भी इनके हर वीक आने लग गया, पर अभी तक कोई मेजर बड़ी गेम्स नहीं है। आज उस पर बात करने वाला हूँ और क्या सिलसिला है, कब तक आ जाएगी और कौन सी गेम्स आने वाली है, कुछ अंदाज़ा लगाते हैं आज, ठीक है। और वैसे यार मेरे को यार इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि ब्लू स्टैक वाले जो है हर वीक गेम्स निकालते, इतना पता था, पर ये नहीं पता था कि जो गेम्स है वो इस क्वालिटी की निकाल रहे हैं अभी जिस तरीके की चल रही है। तो काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर बोला हाँ बिल्कुल आप भी आ सकते हो यार इंस्टाग्राम पे, सवाल वाल है तो काफी लोगों के रिपीटली आ रहे थे, तो मैंने चलो यार बना ही लेते हैं। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो यार सिंपल सी स्टार्टिंग से पहले क्लियर कर देता हूँ, ब्लू स्टैक एक्स है क्या, जिन भाइयों को नहीं पता आई बटन वाली वीडियो जरा चेक कर लेना। देखो ब्लू स्टैक ने जैसे ही देखा यार विंडोज 11 का ट्रेलर वेलर रिलीज हुआ, उसके मेरे हिसाब से एक दो हफ्ते बाद ही इनका ब्लू स्टैक एक्स आ गया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी चीज आ जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड गेमिंग सर्विस है। हाँ बिल्कुल ये लोग क्लाउड गेमिंग कराएंगे, इसमें एक चीज बेहतरीन है, आप कोई सी भी गेम्स जो होती है ना जो एंड्रॉइड की है, बेसिकली ब्लू स्टैक तो एंड्रॉइड की चलाता है, तो आप पीसी पे भी खेल सकते हो या फिर आपके पास लो एंड डिवाइसेस है ना उस पे भी आप कोई सी भी गेम खेल पाओगे। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई थी ब्लू स्टैक वालों से कि ये चाहते थे कि यार पबजी टाइप की गेम, फ्री फायर टाइप की गेम्स भी आए, तो ये आएंगी कि नहीं इस पे भी बात कर लेता हूं, और कब तक आ जाएंगी अगर अंदाजा लगाया जाए तो। सबसे पहले तो यार मेरे को एक चीज लगता है लोगों ने सही से नोटिस नहीं करी, यहां पे जो मेजर रीजन है आप सबके मन में ये सवाल पैदा करने का कि ब्लू स्टैक एक्स अभी रिलीज नहीं हुआ है। हां बिल्कुल भाई, ध्यान से देखोगे तो ये ब्लू स्टैक एक्स बीटा चल रहा है। मेरे को यार याद है इनका ब्लू स्टैक 5 आया था, हमने यार पूरी सीरीज कंटिन्यू करी थी, इनका ब्लू स्टैक 5 पहले बीटा में आया, बीटा में बहुत सारे बग वग मिले, इन्होंने 3-4 महीने लगाए अच्छे से टाइम लेके, उसके बाद ब्लू स्टैक का 5 आया था, रिलीज पूरा होल रिलीज हुआ था, और अब तो स्टेबल, मतलब कि 5 आने के बाद अब सब कुछ सेटल है, अपडेट भी आ चुके होंगे उस पर। तो इसी तरीके से भाई अभी बीटा चल रहा है ये ब्लू स्टैक एक्स का, तो बीटा में बेसिकली यार टेस्टिंग चलती है। अब टेस्टिंग में आप यार एक्सपेक्टेशन अगर ये रख रहे हो कि बड़ी गेम्स आ जाए उनको भी टेस्ट करने का मौका मिले, होना चाहिए बिल्कुल भाई, सर्वर है उनका टेस्ट कर रहे हो तो भाई आप बड़ी गेम्स बाहर डाल के भी देखोगे कि आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, पर अभी तक इनका ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैं ये चीज बोल सकता हूँ यार ब्लू स्टैक एक्स का बीटा चल रहा है तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे मत रखो, ये अभी छोटी गेम से ज्यादातर उम्मीद है देंगे। हाँ हो सकता है बिल्कुल ये चांसेस है कि जब इनका यार फाइनल वर्जन रिलीज होगा, फाइनल कब होगा, देखो यार 2-3 महीने तो हो ही चुके हैं ब्लू स्टैक एक्स बीटा वाले को, मैक्सिमम आप मान सकते हो 2-3 और महीने, मेरे को जितना लगता है इससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लगने चाहिए, ये 2-3 महीने नेक्स्ट डिसाइड कर देंगे और ब्लू स्टैक एक्स आ जाएगा। अब ब्लू स्टैक एक्स जब आएगा तो उसमें आप यार एज्यूम कर सकते हो बहुत सारी गेम्स होगा। अच्छा एक चीज आपने देखा है कि नहीं, इनका जो वेबसाइट पर जाओगे तो ट्रेलर चलता है, वहां लिखा रहता है 200+ क्लाउड गेम्स। अब अभी तक तो इस पे यार गिनती के अगर मुश्किल से गिनोगे भी तो 20 तक गेम्स है, ये 200 तो नहीं है, तो मतलब गेम्स इन्होंने पहले से कर रखी है, आने की इंतजारी में चल रहा है। अब 200 गेम्स आएगी तो मतलब यार बड़ी गेम्स भी बिल्कुल इंक्लूडेड होगा, अब सारी छोटी मोटी गेम्स थोड़ी भर देंगे, बड़ी गेम्स भी होगा, तो अभी कुछ बढ़िया आने वाला है, पर यार ये ब्लू स्टैक एक्स के साथ आएगा, बीटा अभी पूरी टेस्टिंग में ही निकलेगा। देखो यार अभी इस पे जो गेम्स अवेलेबल है वो छोटी मोटी गेम्स है, हल्की फुल्की गेम्स है, और अभी तक यार इस पे पबजी देखने को नहीं दिखा। मेरे को इवन लगता है पहले फ्री फायर आएगी, क्योंकि फ्री फायर थोड़ा कम साइज की गेम है, आपने देखा ये नोटिस किया, पबजी तो यार मैंने अपने फोन में रख रखी है, सारे मैप डाउनलोड करने में 9 GB की गेम है, तो भाई इन सब गेमों के लिए ना सर्वर बिठाने पड़ते हैं अच्छे खासे, मतलब रगड़ के, क्योंकि लोग भी तो यार अब यहाँ पे कोई ब्लू स्टैक वाले के पास ये तो होगा नहीं कि सिस्टम की दिक्कत है, सिस्टम तो उन्हें लगाना है, आपको बेसिकली क्या करना है बस नेट अच्छा चाहिए, तो नेट अच्छे के लिए भाई समझ रहे हो ना उनको सर्वर अच्छा रखना पड़ेगा, तो 9 GB गेम ऐसी गेम्स चलाने के लिए तो भाई बहुत सही सर्वर रखना पड़ता है। जैसे यार ये लोग फ्री भी दे रहे हैं, ये भी नहीं कुछ पेड दे रहे हैं, और इस चीज़ों को नज़रअंदाज रखते हुए तो भाई बिल्कुल मेरे को लगता है यार अभी टाइम लगाएंगे ये लोग, पबजी टाइप गेम्स के लिए तो यार टाइम बिल्कुल लगेगा। हाँ बोल सकते हो थोड़ी हल्की गेम्स जो होगी वो पहले देखने को दिख जाएगा, वही वेट यार ब्लू स्टैक एक्स का आप कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं है कि ब्लू स्टैक एक्स जो है ये ब्लू स्टैक वालों ने रिलीज करा किस लिए था, कि यार इन लोगों ने देख लिया विंडोज़ वाले एंड्रॉइड ऐप में आ गई, हबड़ा दबड़ी में इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया, छोटे मोटे सर्वर्स पे ही कर दिया जिसपे जो छोटी मोटी गेम्स आ रही है, या फिर शायद इनके पास प्री प्लान था ये, वैसे प्री प्लान भी हो सकता है, पर ये मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई यार, ब्लू स्टैक 5 अपना यार इसी साल रिलीज हुआ था, एकदम से यार दूसरी चीज़ निकाल दी, तो ये लगता है कि कहीं विंडोज़ को देख के किया या इन्हें पहले से पता नहीं क्या है, पर हाँ इतनी चीज़ पता है कि ब्लू स्टैक एक्स फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, और मेरे हिसाब से यार एक जो बन रहा था ना एंड्रॉयड ऐप चला जाएगा, ब्लू स्टैक वाले क्या करेंगे ये सब चीज़ों को ये कवर कर देगा क्लाउड गेमिंग। अभी नॉक्स वाले भी जरूर इसमें उतरेंगे, नॉक्स के अभी बहुत सारे एमुलेटर्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है आपकी फेवरेट गेम अभी तक आई है कि नहीं जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, सोचा यार बहुत लोगों के मन में डाउट आउट रहता है इससे आज क्लियर हो जाए, तो बाकी इस वीडियो में इतना पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब तो आप ही के लिए आप दवाई देते हो एकदम खटाक फटाक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।